फंड्स की तंगी से जूझ रहे देश के एक बड़े प्राइवेट बैंक यस बैंक के फ्यूचर को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें 14 मार्च तक 2 अरब डॉलर का फंड जुटाना है। सूत्रों की माने तो अगर 2 अरब डॉलर का फंड जुटाने में देरी होती है तो सरकार अंतरिम राहत दे सकती है। वहीं पिछले महीने रजनीश कुमार ने कहा था कि यस बैंक खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। आपको बता दें कि यस बैंक की मार्केट वैल्यू 80% तक गिर चुकी है। पिछले एक साल में बैंक का शेयर 80% तक लुढ़क गया है। ये गिरकर 40 रुपए के करीब आ गया है। रजनीश कुमार का कहना है कि यस बैंक की बैलेंस शीट 4,000 करोड़ डॉलर के करीब है। ये मार्केट का बड़ा खिलाड़ी है। मुझे नहीं लगता कि इसे फेल होने दिया जाएगा। यस बैंक की समस्याओं का जल्द समाधान निकलेगा। पिछले साल दिसंबर 2019 में देश के 2 टॉप बैंक अधिकारियों ने कैपिटल के संकट से जूझ रहे यस बैंक का अधिग्रहण करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को सबसे उपयुक्त बताया था। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ चौधरी ने कहा कि हम छोटे बैंक हैं, हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े बैंक बने ताकि हम किसी स्तर पर दूसरे बैंकों का अधिग्रहण कर सकें। हमारी जगह कोटक बैंक इसके लिए ज्यादा सही है। अब ये वक्त ही बताएगा कि यस बैंक का भविष्य क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।